लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि वैश्य समाज, व्यापारी समाज इस देश की आजादी से लेकर भामाशाही से लेकर महात्मा गांधी तक की अगर बात करें, कभी देश में भूकंप, बाढ़, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई उसके अंदर सबसे अधिक कॉन्ट्रीब्यूशन इस व्यापारी समाज का रहा। इस व्यापारी समाज को चाहे मंदिर, कुआ, जोड़, बावे, धर्मशाला, पाठशाला, गन्ना मैदान, गौशाला, जो भी बनाने की बात आई है, आप सब ने बढ़कर बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लिया है। महिला अभिषेक के मंसद होने के नाते हम अपने शुद्ध समाज में से 10% हमेशा मान के चलते हैं कि समाज के कार्य के अंदर लगाए, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हमेशा इस समाज को ये कहते हैं कि दानवीर है, इनको कोषाध्यक्ष बना दो, ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ये देश के लिए रोजगार पैदा करते हैं, ये देश के लिए टैक्स बताने में तो महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। परंतु जब जब कहीं संसद में भेजने की बात आती है, विधानसभा में भेजने की बात आती है, तो कहते हैं कि वो है इनसे बचते हैं। ये कैसी राजनीति है, एक तरफ ईमानदार, एक तरफ मेहनती कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि चोर है इनसे बच के रहना। अभी आपने देखा माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये निर्णय लिया कि व्यापारी समाज के दो लोग संसद में जाएंगे, तो टेलीविजन के ऊपर ये बातें आने लगी अब व्यापारी संसद में जाएंगे। महसूस रहा था संविधान के कौन से समय के अंदर निकाला कि व्यापारी का संसद में जाने में प्रतिबंध है। व्यापारी एक ऐसी कम्युनिटी है जो करियर को बढ़िया काम करती है, इस अपना सारे सब को जोखिम पे लगा के देश के नौजवानों को रोजगार देती है, देश के किसानों के, देश के आम व्यक्ति के हित के लिए हमेशा ये कार्य करते हैं। परंतु जब टेलीविजन पर आया आपने देखा टू जी दो गुप्ता केजरीवाल जी के पास ले गया कि टू जी टू जी हो रहा जनाब, आप देखो हम क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए हमने योग्यता के आधार पर आपको चुना है, लोग क्या कहते हैं विरोधी पार्टियों का काम है कुछ कहना, आपका वैश्य होना, व्यापारी होना आपके डिसक्वालिफिकेशन या एडिशनल क्वालिफिकेशन है। क्या मेहनत के साथ काम करते हैं आप, इस देश में टैक्स बढ़ाने के साथ करते हैं, एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके निर्णय के साथ महाराज आप सब ने यहाँ पर आकर इनका आभार व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। तो आपने जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया और व्यापारी वर्ग के लिए आप संसद के अंदर, संसद के बाहर हर गरीब मोहरे के अंदर जिस प्रकार आप गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए लड़ते हैं, जिस प्रकार आप छुट्टी वालों के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार व्यापारियों के लिए उससे भी आदम दृढ़ता के साथ आप लड़े, और आपने सिद्ध किया कि व्यापारी समाज के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खड़ी है, और व्यापारी दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तभी भी व्यापारी वर्ग के साथ सरकार जब टैक्स बढ़ाने की बात आई, वैट की बात आई, तो माननीय अरविंद केजरीवाल ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम वैट किया। आप दिल्ली के अंदर आप हमेशा अकेले के राज्य सरकार टैक्स बढ़ाती है, माननीय केजरीवाल जी ने टैक्स को घटाया, और आपसे कहा कि आपके इलाकों के अंदर इस वक्त नहीं आएंगे, आप परवाह ना करें, आप अपने ईमानदारी से टैक्स करें, मैं टैक्स कम कर रहा हूँ, आपका इधर उधर अपने व्यापार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत सरकार के बाद, अगर भारत सरकार की बात करता हूँ तो चिकित्सा के ऊपर 2.24% बजट शिक्षा बजट चिकित्सा पर लगता है। अरविंद केजरीवाल ने 12% बजट अपनी सरकार का चिकित्सा पर लगाया, और जब दोस्तों ये बात सुनी तब मैं आप सबके सहयोग से एजुकेशन मंत्री चलाता हूँ, इन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला कि एक महीने तक कोई भी गरीब और अमीर व्यक्ति का अगर सरकारी हॉस्पिटल में सर्जरी का मतलब नहीं आता, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ और उसका पैसा दिल्ली सरकार देगी। इसके साथ साथ सेंट्रल जयंती में भी मोहलत मिली थी, इन्होंने बात की, और अभी चंद दिन पहले ऑर्डर आया है कि सड़क के ऊपर कहीं भी दिल्ली में कोई एक्सीडेंट हो जाए, हिंदुस्तान का कहीं भी नागरिक को अगर दिल्ली की सड़क में कोई एक्सीडेंट होता है वो इलाज के बगैर नहीं रहना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, दिल्ली सरकार पैसा देगी। मानवता का भारत है और शिक्षा की जहाँ तक बात है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर माननीय केजरीवाल ने सबसे अधिक जोर दिया। ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ शिक्षा की बात है, देश का बजट 3.5% शिक्षा में लगता है, माननीय केजरीवाल ने 24% बजट शिक्षा के ऊपर लगाया।
यानी कि एक रुपया की सरकार को कैसे मिलता सीधा सीधा 36 पैसे शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर लग गए। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी जो मानवता के लिए कार्य करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब एक हरदर परिवर्तन के साथ कहीं ना कहीं आपके साथ धीरे 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 जुड़ रहे हैं। और आपने जो निर्णय लिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ी कि आप अपने वैश्विक व्यापारियों का हित चाहने वाले अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए लीडर है और उनके साथ हम बहुत दृढ़ता के साथ खड़े हैं। मैं इस मंच से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ एक बार जोर से आपका अरविंद माननीय केजरीवाल जी का कार्यकाल का अभिनंदन करें। मैं अधिक से अधिक लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये समाज हमेशा सरकारों से दुनिया से किसी से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ रिकॉग्निशन चाहता है और सिर्फ ये चाहता है कि हमें चूर की दृष्टि से ना देखा जाए। हमें ये माता बहन कृषि लोग हैं जो सुबह उठकर रात तक हम मेहनत करते हैं, देश को टैक्स देते हैं, देश को रोजगार पैदा करके देते हैं और आपने इस बात को पहचाना है जबकि बाकी पार्टियों ने हमें कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। इसलिए भी समाज जब टेलीविजन के माध्यम से अलग अलग पार्टियों ने इसका विरोध किया तो उतनी दृढ़ता के साथ जुड़े आपके साथ आम आदमी पार्टी के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अधिक समय लेते हो आप यहाँ पर आए, इससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कराऊँ मैं निवेदन करूँगा विजेंद्र जिंदर जी हमारे बीच में रोहनी से आप एमएलए का चुनाव लड़े थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर और वहाँ के डेलीगेट भी रहे, मार्केटिंग कमेटी के आप वहाँ से चेयरमैन रहे, आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो उनको माला पहना के माननीय विजेंद्र जिंदर जी का तो एक मोमेंटो भी देखिए बनाने वाले ही वंदनीय हो जाते हैं। ऐसे हमारे वंदनीय आदरणीय केजरीवाल जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा माननीय सुशील गुप्ता जी से आप उस भारत और एक शॉल द्वारा माननीय केजरीवाल जी का अभिनंदन करेंगे।